स्वागत है। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए दौसा सांसद हरीश मीणा देवली उनियारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में शामिल होते ही मीणा पर विरोधियों ने निजी हमले शुरू कर दिए। वहीं सांसद हरीश मीणा ने साफ कहा था कि किसी ने निजी हमले किए तो वो ऐसे खुलासे करेंगे जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल आ जाएगा। पुलिस सेवा में रहने के दौरान कई नेताओं का लेखा जोखा उनके पास है। इस पूरे मामले पर हरीश मीणा ने बातचीत की हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान से, जरा सुनिए। पुलिस सेवा से राजनीति में आए, पहला इम्तिहान पास किया राजनीति का, अब दूसरे इम्तिहान की तैयारी के अंदर हैं। पहचान के मोहताज नहीं है हरीश मीणा जी, जो सालों तक पुलिस की सेवा राजस्थान में देते रहे, अब नौ विधानसभा के अंतरों जिले से देवली उनियारा विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है, उम्मीद थी कांग्रेस का भी विधानसभा चुनाव आपको लड़ाएगी और आपको प्रत्याशी बना के उतारा है यहाँ से। सर मैं तो अपना कर्म करता हूँ, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ। अपन ने ये मैं कह सकता हूँ कि जितना मेरा सार्वजनिक जीवन रहा है, चाहे सरकारी सेवा में रहा है, चाहे राजनीति में रहा है, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, वो मैं भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी। एकदम से नया क्षेत्र है आपके लिए, दौसा से आपने इलेक्शन लड़ा, पहला राजनीतिक इम्तिहान वहाँ पे पास किया, सेकंड इम्तिहान आपका विधानसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा तो आप पहुँच गए, जो सबसे बड़ी संसद वहाँ पे पहुँच गए राजनीति की पाठशाला में, अब यहाँ ये कैसे पास कर पाएंगे? सर मैंने यहाँ का काम देखा है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, विकास। विकास क्या होता है? मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, पानी, ये है। अब आप देखिए मेरी समझ में राजस्थान की 200 की 200 विधानसभा देख लो, इतनी बदतर रोड कहीं नहीं। आप जाइए डूब क्षेत्र में निवाई के आज देवली के आसपास है, फिर आप दूसरा देखिए शिक्षा का, यहाँ देवली का एक बड़ा हॉस्पिटल है, स्वीकृत है वो 75 बेड, स्टाफ 50 का भी नहीं, ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना एक्सरे मशीन है, ना सो क्या आपका ब्लड बैंक है। आज छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है उस आदमी को या तो कोटा या टोंक जाना पड़ता है, और वो जो बहुमूल्य समय होता है गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, एक घंटे में अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मिला उसकी जान चली जाती। नेशनल हाईवे अजमेर वाला, ये दिल्ली और ये कोटा वाला, और ये स्वीकृत हो चुका है। तब नवनारायण जी केंद्रीय मंत्री थे, वो स्वीकृत करा चुके हैं, अब आपको स्टाफ ही लगाना है। और 5 साल में बने क्या नहीं रही, स्वीकृत चीज़ों पर उन्होंने काम नहीं किए। देखिए आप बीजेपी में थे, बीजेपी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस में क्यों आए? देखिए कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, ना आने का कारण ना जाने का कारण। मैं कोई किसी से मेरा कोई कड़वड़ाहट नहीं है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, और जहाँ मेरा मन करेगा, जहाँ मैं महसूस करूँगा मैं जनता की आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं जनहित की बात कर सकता हूँ, वहाँ मैं रहना चाहता हूँ। मुझे लगा कि कांग्रेस में मुझे बेहतर मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन लोकेंद्र चौधरी के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, टॉप।